हेलो एवरीवन वेलकम टू बायजूज एग्जाम प्रेप दिस इज खुशबा अग्रवाल वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वो सुपर टिप हो सकता है उनके लिए जिनका जे का अब बस एक या दो ही बचा है और लास्ट है। तो इफ़ दिस इज़ योर लास्ट दिस लास्टर 2023 सेट ऑफ़ एग्ज़ाम साइकिल ऑफ एग्जाम इज योर लास्ट अटेम्प्ट तो वो क्या सुपर टिप हो सकता है जिसको आप यूज करके इस लास्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक कर लो इस एग्जाम को और अपने जो भी ड्रीम्स है उसको फुलफिल कर लो टूडेड so, स्टूडेंट the, the जिनके लिए ये लास्ट अटेम्प्ट उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ओके सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा एप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से हमारा एप डाउनलोड कर लीजिए वॉट यू नीड टू डू इज आपको अपने मोबाइल में गूगल लेंस ओपन करना पड़ेगा एंड यू विल कोड और उसके बाद हमारा एप डाउनलोड हो जाएगा जहाँ पे आपे आपको बहुत सारे लाइव फ्री क्लासेस रिकॉर्डेड फ्री क्लासेस मॉक टेस्ट के एक्सेस मिल जाएंगे जिसको आप कभी भी देख सकते हैं अपने तैयारी में आप उसको यूज कर सकते और, और also, हम अपने प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली वर्कशॉप अरेन्ज करवाते अपने स्टूडेंट के लिए तो एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे वर्कशॉप होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसको भी आप यूज कर सकते हैं देख सकते हैं अटेंड कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन के जर्नी में हेल्पफुल होगा वो ओके okay? सो so, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट अटेम्प्ट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या एज uh, लिमिटेशंस होते हैं सीएसआईआर एग्जाम के लिए भले वो आप किसी भी सीएसआईआर मैथस हो केमिस्ट्री हो लाइफ साइंसेज हो अर्थ साइंसेज हो फिजिकल साइंसेज हो हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है है वो फिक्स होता है। तो एज के परस्पेक्टिव अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर जे आर एफ का हम बात कर रहे हैं सो so, जे के लिए 28 इयर्स का मैक्सिमम अपर एज लिमिट बोला जाता है सो ट्वेंटी एट आपका मैक्सिमम एज लिमिट होता है लेकिन उसमें रिलैक्सेशन है बहुत सारे चीजों में तो उसको हम लोग देख लेते हैं सो दिस इज द अपर एज लिमिट बट इट इज रिलैक्सेबल 28 मीन टी एटम थर्टी 33 इस तो फाइव ईयर्स का रिलैक्सेशन है किनको रिलैक्सेशन है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे एस सी एस टी थर्ड जेंडर पर्सन विथ डिसबिलिटी पीडब्ल्यू डी कैटेगरी एंड ऑल्सो फीमेल एप्लीकेंट तो अगर आप फीमेल है अगर आप एस टी एस सी थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यू डी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जे आर एफ का जो मैक्सिमम एज लिमिट होगा वो थर्टी थ्री इस हो जाएगा ना कि ट्वेंटी एट ईयर्स ठीक है अगर आप जनरल कैटेगरी मेल हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है ट्वेंटी एट ईयर आगे अगर हम लोग देखें तो थ्री ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है किनको

और मेल जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व मेल के लिए क्या आपका लिमिटेशन है क्या मैक्सिमम एज है वो है 28 इयर्स तो ये हमारा एलिजिबिलिटी है एज पर्सपेक्टिव तो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि आप जारफ के कितने लिमिट्स आपके पास बचे हैं आ, एक साल में दो बार जनरली एग्जाम होता है बिकॉज ऑफ कोविड कुछ डिसबैलेंस हुआ था बट अगेन अब रेगुलराइजेशन हो गया है एंड अगेन अब साल में दो बार एग्जाम होंगे तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके कितने attempts बच गए ऑल्सो अगर आप लेक्चरारशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए ये एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत उस केस में नहीं है बिकॉज वहां पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है आप किसी भी एज ग्रुप के हैं आप ये एग्जाम को फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एल एस दे सकते हैं सिर्फ जे में एज लिमिटेशन या एज बैरियर है तो अगर आप एज आ, आपको पता चल गया एलिजिबिलिटी क्या है और अगर ये जो 2023 एग्जाम आने वाला है वो आपका लास्ट अटेम्प है तो डेफिनेटली ये आपका डू और डाई सिचुएशन है कि अब आपको ये टाइम पर क्रैक करना ही अदरवाइज फिर आपके पास जे हाथ से निकल जाएगा आपके पास और अपॉर्चुनिटीज नहीं बचेंगे तो हमको क्या चाहिए हमको चाहिए कि ये जो टाइम है इसको हम इतना अपना से अपना परसेंट यूज करें इन अ प्रॉपर मैनर ताकि हम इस एग्जाम को क्रैक करें और फिर हमें कोई रिग्रेट नहीं रहे हम अपना 100% परसेंट देंगे तो उसके लिए कुछ सुपर टिप्स है मेरे पास जो डेफिनेटली मुझे लगता है कि uh, अगर हम यूज करते हैं अगर हम उन सारे चीजों के ऊपर गौर करें ध्यान करें तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको हम क्रैक नहीं कर सकते तो वो वो डेडिकेशन चाहिए और वो कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है थ्रू आउट द जर्नी ठीक है सो लेट्स सबसे पहला टिप एंड अ वेरी वेरी एसेंशियल वन इज द सेल्फ एनालिसिस सेल्फ एनालिसिस इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि

कि क्यों नहीं हुआ क्या दिक्कतें आई क्या गड़बड़ी हुई क्या एग्जाम में, में मेरा था कि किस कारण नहीं हुआ नेगेटिव हो गया कहाँ पे पॉजिटिव हुआ हमको किस एरिया में बेसिकली काम करना पड़ेगा तो सेल्फ एनालिसिस जब आप करते हो सेल्फ एनालिसिस आपको दो चीजों के बारे में बताता है पहला चीज है आपके वीकनेस के बारे में आपको बताता है कि व्हाट इज योर वीक एरिया ठीक है आपका वीक एरिया कहाँ है कहा आपको नेगेटिव हो रहा है एंड सेकेंड आपको बताता है हमको स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक्चुअली में नहीं जानना है सेल्फ एनालिसिस में क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आपके वीकनेसेस के ऊपर काम करना है डेफिनेटली आपको ये देखना है कि क्या स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी में गड़बड़ी हो रही है क्या प्लानिंग में मेरे फेलियर्स हो रहे हैं सो चेंज हमको करना होगा प्लानिंग में हमें इन दोनों चीजों के ऊपर काम करना होगा सो सेल्फ एनालिसिस

उट रॉन्ग थिंग्स गलत चीजों को पता लगाइए और मार्क करते कर दो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा या बेसिक से शुरू करना पड़ेगा जिन जिन्होंने पहले से अटेम्प दिए हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं अब लास्ट बचा है तो उनको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है उनको बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी उनको काम क्या करना है उनके नेगेटिव्स पे सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दो एरिया एंड द लेस ऑन द अदर पार्ट ठीक है सो सेल्फ एनालिसिस करिए बहुत जरूरी है अब सेल्फ एनालिसिस करने के बाद क्या आपको पता चल गया कि आपके वीकनेसेस क्या है विच इज दैट एरिया जहां पे आप लैक कर रहे हो अब आपको क्या करना है अब आपको अपने वीकनेसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा तो बाकियों के लिए हम कहते हैं कि आपको Uh, पूरे सिलेबस है पूरे सिलेबस को एनालाइज करिए पूरे सिलेबस के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए सिलेक्ट करिए और फिर पढ़ना शुरू करिए बट आपके लिए जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है उनको क्या करना है उनको पहले फर्स्ट एंड थिंग इज यू हैव टू एनालाइज एंड देन यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीकनेसेस फर्स्ट आपको अपने सिर्फ वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग करना है फॉर द इंटायर टू मंथ्स दो महीने आपको डेडिकेटेडली अभी स्पेंड करना है अगस्त सितंबर अपने वीकनेसेस को स्ट्रांग करने के लिए बिकॉज वहीं वो जगह है जहां से आपको जो आपको रोक रहा है बेसिकली क्वालिफाई करने से बाकी जगह में तो आप कर रहे हैं तो अब आपको सिर्फ वो एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस करना है बाकी के ऊपर भी काम करना है बट द मोर फोकस विल बी गिवन टू दो एरिया वेयर यू आर लैकिंग ठीक है नेक्स्ट क्या होगा आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा अगर अभी तक आपने अपना टारगेट फिक्स नहीं किया इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कितना एम कर रहे हो मार्क्स ठीक है कि हम मुझे 120 आना चाहिए मुझे 130 आना चाहिए मुझे 110 आना चाहिए मुझे 100 आना चाहिए वॉट इज योर एम आप एक टारगेट फिक्स करो बिकॉज टारगेट फिक्स करने से क्या होता है आपको समझ में आता है कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन में कितना करना है और कैसे आप यूनिट्स को डील करना चाहते हैं तो टारगेट को फिक्स करना इज अ वेरी बेसिक एंड इनिशियल वी कैन से स्टेप जो आपको आगे के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा तो आप एक अपना टारगेट फिक्स कर लो अब आप एक अपना वर्क प्लानर बना लीजिए क्योंकि आपको अपने वीकनेस पे काम करना है तो आपके प्लानर में मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक आई कैन से 70% ऑफ द द टाइम टाइम विल विल बी बी वेयर यू स्पेंडिंग ऑन योर वीकनेसेस 30% आप दूसरे और प्रैक्टिस uh, रिवीजन को दीजिए बट 70% ऑफ द टाइम यू विल बी वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसके बाद आपको क्या करना है मान लीजिए कि uh, आपका प्रॉब्लम है कि आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है या नोट्स नहीं है बुक्स नहीं है कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है सो लुक फॉर ऑल थिंग्स लुक फॉर मटेरियल नोट्स प्रॉपर गाइडेंस एंड स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग दो इन अ वेरी एग्रेसिवली यूज जिसको कहते हैं ना एकदम एग्रेसिवली नोट्स मटीरियल के ऊपर काम करना शुरू करिए ताकि आपके जो भी नेगेटिव्स फॉल डाउन हो रहे थे ड्यू टू एनी रीजन आप उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास आपके लैडर आपको एक फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाना है और उस फर्स्ट से सेकंड फ्लोर में जाने के लिए आपके पास एक सीढ़ी है उस सीढ़ी में सफिशिएंट स्टेप्स नहीं है यू हैव 2 3 स्टेप्स बट आपको और दो तीन स्टेप चाहिए ऊपर तक पहुंचने के लिए तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग आप सारे मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट दैट स्टेयरकेस भी ला रहे हो उसको स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हो और फिर उसी के ऊपर आप ही को चल के जाना पड़ेगा इट इज समर्ट लाइक दिस जो है वो तो है ही जो नहीं है उसके ऊपर काम करना है ठीक है so सो व्हाट विल बी योर साइकिल पढ़िए प्रैक्टिस करिए ठीक है बहुत बार क्या होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट विच

ठीक है फिर एनालाइज करिए क्या हुआ गलत हुआ सही हुआ गलत हुआ तो क्यों हुआ क्या आपने क्वेश्चन नहीं समझा या आपने क्वेश्चन समझा पर क्या आपको आंसर करने में आप कंफ्यूज करके क्या टॉपिक में कंफ्यूजन हुआ क्या अंडरस्टैंडिंग इशू था आप एनालाइज करें फिर से उसी हिसाब से आप दोबारा से उस टॉपिक को पढ़िए और फिर प्रैक्टिस करिए एंड व्हेन दिस साइकिल विल बी कंटिन्यूड यू विल अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे लैक कर रहे थे एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नेगेटिव एरियाज अगर या आपका last time है, ये last है, तो आप इसको अपना सब कुछ दे दीजिए डेडिकेटेडली टू हंड्रेड परसेंट लगन से मेहनत से एफर्ट डाल के काम करिए आई डोंट थिंक की कुछ भी ऐसा चीज है जो हम नहीं कर सकते स्टडी प्रैक्टिस एनालाइज स्टडी प्रैक्टिस एनालाइज आपको करना ही है और उसके बाद एक्सटेंसिव प्रैक्टिस तो चाहिए बिकॉज प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट जितना करेंगे उतना हम थ्योरी और क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे उतना बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे डी सीखेंगे स्पीड बढ़ेगा और रिविजन तो डेफिनेटली चाहिए तो रिविजन के लिए जो भी जिनका लास्ट अटेम्प है एक और जो नेगेटिव हम हमें पता है जिसके वजह से क्वालिफाई नहीं करते हैं वो है लैक ऑफ रिविजन

डाय मेमोरी पावर ना उतना ही बढ़ते जाता है सर्कल नहीं है तो एवरी टाइम एवरी साइकिल ऑल्सो द लूपोल्स विल स्टार्ट गेट फीलिंग जो आपने पहली बार में नहीं समझा वो दूसरी बार में समझने लगोगे तीसरी बार में और अच्छा समझोगे तो दाइक ऑफ रिविजन साइकिल जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है थ्री साइकिल्स ऑफ रिविजन में आप मास्टरी हासिल कर लोगे आपके यहाँ पे छप जाएगा इंपॉर्टेंट ट्राई थ्री है सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे मेरे तरफ से सुपर टिप्स थे मेरे तरफ से जो अगर आप यूज करते हो तो डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आपको क्वालिफाई करने से क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता हैव बिलीव इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए अपने एफर्ट को कम मत होने दीजिए लग जाइए और ये लास्ट अटेम्प्टे तो अपना आप अप जी जान लगा दीजिए सारे चीजों पर काम करिए डेफिनेटली यूल गेट थ्रू दिस एग्जाम विदनिंग मार्क्स एंड ऑल तो आप फील करोगी की आपने बहुत यूल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ तो ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे तरफ से खूब पढ़िए खूब अच्छे से करिए एंड दिस डिस ओके okay? सो so, अगर आपने हमारे ऐप आप डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे साथ हमारे ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं वहां पे आपको कई सारे फ्री लेक्चर्स मिलते हैं लाइव भी एंड रिकॉर्डेड uh, uh, भी मॉक टेस्ट भी मिलता है वर्कशॉप्स भी मिलते हैं तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्यू कोड है इसको स्कैन करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा ऑल्सो अगर आप हमारे साथ हमारे क्लासेज uh, में जुड़ना चाहते हैं तो हम फ्री क्लासेस पेड क्लासेस दोनों होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी एक फ्री uh, सीरीज uh, चल रहा है मिशन सी एस आई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का सीरीज है थ्रू आर ऐप ओनली और लक्ष्य बैच 2023 हम अपने वाई पे चला रहे हैं, जहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं uh, हम अगेन यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ सी एस आई डिसम्बर ट्वेंटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ठीक है और अगर आप हमारे साथ हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये गिवन नंबर है जिसपे आपको मिस्ड कॉल या कॉल करना है वन वन ऑन बुक हो जाएगा एंड देन जितने भी क्वेरीज है रिगार्डिंग एग्जाम रिगार्डिंग कोर्सेज रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर आपको सारे चीज उस uh, में पता चल जाएगा सो यू कैन बुक द काउंसिलिंग सेशन द डिटेल्स आर गिवन इन द बॉटम बार यू कैन जस्ट कॉल द गिवन नंबर एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल द तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट Bye-bye. Take care.